तो हेलो सब गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो आने के 69 न्यूट चैनल के एक नए एंड शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस बेसिकली ना आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बोलूंगा कि मतलब सीजन तो खत्म होने वाला है 27 तारीख को, आप लोग सब जानते ही होंगे। ये जो 27 तारीख आ रहा है इसी मंथ में सीजन खत्म होने वाला है, जो जो हीरो पे उसको गोल्ड 2 और गोल्ड 3 में उतार देगा, ठीक है। बेसिकली आप लोग जानते ही होंगे। बट गाइस उसके बाद गाइस रैंक पुश करना चाहते हैं तो गाइस आप सोचते हैं सोलो में रू पुश करे, डुओ में पुश करे या स्क्वाड में पुश करे, आप लोग मतलब कन्फ्यूज होते हैं। बट गाइस मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँ सोलो में कैसा लॉबी आता है, डुओ में कैसा लॉबी आता है और स्क्वाड में कैसा लॉबी आता है, और इन सब में मतलब कौन सा चीज मतलब सोलो में, डुओ में या स्क्वाड में खेलने से कौन सा अच्छा होगा आपके लिए, वो भी इस वीडियो में आपको बोलूंगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करना, आपको स्किप करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। सो गाइस ज्यादा टाइम लेंगे, सीधा वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले गाइस आपको एक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो कि गाइस है विंजो। दोस्तों आज मैं भारत की बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो के बारे में बताऊंगा, जहां पर गाइस आप लोग 70 से भी ज्यादा गेम खेल के हर दिन बहुत सारा इनाम जीत सकते हो। और गाइस आप एस्पोर्ट में हो तो इधर गाइस आप फ्री फायर, सीओडी मोबाइल के टूर्नामेंट भी खेल सकते हो। विंजो वर्ल्ड वॉर में आपको 70 से भी ज्यादा गेम्स का टूर्नामेंट मिल जाएगा हर समय, आप जीतो या हारो फिर भी आप जीत सकते हो लाखों का इनाम। तो आप लोग खेलना जरूर, क्योंकि फर्स्ट 2 गेम बिल्कुल फ्री है इधर। गाइस आप लोग विंजो स्टोर से आप फ्री फायर के डायमंड्स, गिफ्ट वाउचर एंड सब्सक्रिप्शन ले सकते हो डिस्काउंट रेट पर, और विंजो वॉलेट से आप अपना विनिंग अमाउंट इजीली विथड्रॉल भी कर सकते हो पेटीएम, यूपीआई बैंक अकाउंट में। तो इंतजार की बात का डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उधर से आप डाउनलोड करो, आपको मेरे तरफ से मिलेगा 50 रुपीज का बोनस। तो गाइस बेसिकली आप मतलब आप जब रैंक पुश करना चाहते हैं डुओ स्क्वाड या सोलो में, वैसे सबसे पहले तो गाइस एक चीज इंपॉर्टेंट है, सोलो डुओ या स्क्वाड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंडिंग। लैंडिंग गाइस आपको सेफली करना पड़ेगा। लैंडिंग के लिए सेफली कैसे लैंडिंग करना पड़ेगा गाइस मैं बता दूंगा आपको, सोलो डुओ स्क्वाड में सभी में आपको सेफ लैंडिंग करना पड़ेगा। जिधर गाइस बंदा कम जा रहा है और थोड़ा मैप के दूर के लैंडिंग करना पड़ता है, और गाइस आपके एक बंदे के पास फैल्को होना चाहिए, सोलो में खेल रहे तो आपके पास फैल्को होना होगा तो अच्छा होगा, बट मतलब फैल्को नहीं है तो थोड़ा देख के उतरना पड़ता है। बट डुओ स्क्वाड में एक बंदे के पास फैल्को और एक बंदे के पास वालगर पेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा करके आपको लैंडिंग करना पड़ेगा, उसके बाद लैंडिंग करने के बाद फर्स्ट आपको प्रायोरिटी रहेगा, आपको लूट आउट ठीक से करना पड़ेगा। ओके बेसिकली गाइस सोलो में आपका क्या होता है, जब अब मैं सोलो से शुरू करूँ स्क्वाड से, मैं सोच स्क्वाड से बात कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्वाड में गाइस आपका क्या होता है दिक्कत, मतलब पहले तो आसानी क्या होता है, आपका स्क्वाड में हर एक मेंबर अच्छा खेलता है, तो मतलब क्या होता है ना, जब आप रैंक पुश करते हो फर्स्ट टाइम, मतलब पहले मतलब रैंक जब शुरू होता है उस टाइम पे गाइस बंदा बहुत ही तगड़ा बंदा आता है, ठीक है। मैं सच में बोल दूँ तो बहुत ही तगड़ा बंदा आता है, पहले कुछ मैचों में अच्छा नहीं आता, उसके बाद तगड़ा बंदा आता है, क्योंकि उस टाइम पे हर एक यूट्यूबर बोलिए और हर एक बंदा अच्छे बंदा सब स्क्वाड में ही खेलते हैं, ठीक है। इसलिए गाइस स्क्वाड बहुत ही हार्ड लॉबी आता है, आपके पास वो अच्छे बंदे हैं तो ठीक है स्क्वाड में करो, स्क्वाड में मतलब यही एक दिक्कत है, अच्छे बंदे आते हैं मारना पड़ता है बस। और गाइस स्क्वाड में जो मतलब अच्छा चीज़ है, मतलब जिससे आपको एडवांटेज मिलेगा स्क्वाड में गाइस, क्या आप मर भी गए तो आपका स्क्वाड जिंदा रहेगा, तो आपका आराम से प्लास भी कर सकता है, क्योंकि गाइस उधर 3 बंदे आपका रहेगा, आराम से प्लास वगैरह कर सकते हैं, एक साथ मिल के बंदे को मार भी सकते हैं, इसलिए गाइस फाइटिंग करने में बहुत ही आसानी होगा। एक है गाइस स्क्वाड में एडवांटेज, बट आपका बंदा अच्छा होना चाहिए। तो गाइस आप लोगों का स्क्वाड में अच्छा हो तो स्क्वाड में जरूर करो, स्क्वाड में मैं जरूर बोलूँगा स्क्वाड इज बेस्ट, ठीक है। मतलब अच्छे बंदे हो तो आपके स्क्वाड में, ठीक है। तो गाइस फिलहाल तो मैं स्क्वाड के बारे में आपको बता दिया, स्क्वाड में कैसे आपको पुश मतलब कैसे पुश करना था, मैं तो टिप्स एंड ट्रिक दिया हूँ मतलब ने पिछले वाले वीडियो में, कुछ वीडियो के पहले, बट इसमें बोल रहा हूँ स्क्वाड में आपको पुश करना अच्छा होगा नहीं होगा, बेसिकली स्क्वाड में अच्छा होगा बट आपके पास स्क्वाड अच्छा होना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं डुओ की तरफ। तो गाइस बेसिकली डुओ क्या होता है, डुओ में मतलब आपका 2 बंदे होते हैं, आप जानते ही होंगे, लूट वाउट वगैरह करना पड़ता है, डुओ में सामने भी 2 बंदा हो, आपका भी 2 बंदा हो, एक बंदा भी मर गए तो आराम से और एक बंदा सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि एक बंदा तो 2 बंदे को देख सकता है बट 4 बंदे को नहीं देख सकता, ठीक है। मतलब कभी कभार निकाल देता है, बट 4 बंदे को देखना एक साथ में हैंडल करना बहुत ही दिक्कत की बात है, बट 2 बंदे को आप आराम से इजीली हैंडल कर सकते हो, आपके पास प्रैक्टिस थोड़ा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस हो तो, ठीक है। बेसिकली गाइस डुओ में मैं बोलूँगा डुओ अच्छा है, डुओ में आप कर सकते हैं, ठीक है। डुओ में आप आराम से आपका पार्टनर के साथ आप मतलब बात करके खेलना, और गाइस इधर मतलब दिक्कत ये नहीं होता कि आपको नींद नहीं आएगा, ठीक है। सोलो में गाइस क्या होता है दिक्कत, नींद आता है, बट स्क्वाड में आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि आप दोनों बंदे बात करके खेलेंगे, एक साथ करेंगे, मजा भी करेंगे, प्लस भी होगा माइनस भी होगा दोनों का एक साथ होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। डुओ भी अच्छा है गाइस, मेरे से मतलब स्क्वाड में आपका पार्टनर अच्छा नहीं तो डुओ खेलियो, डुओ अच्छा होगा, मैं गारंटी से आपको बोलता हूँ। फिर आप लोग बोलोगे गाइस डुओ में पार्टनर कहाँ से मिला, पार्टनर गाइस आपको ढूंढना पड़ेगा, जिसके साथ आप ज़्यादा खेलते हो उसको बोलना
चलो रैंक पुश करते हैं एक साथ में, डुओ में करते हैं, डुओ में आसान होगा वगैरह वगैरह। मैं डुओ का भी टिप्स दिया हुआ, आप देख सकते हो चैनल पे जाके। जो भी गाइज नहीं है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको फिर से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। ऐसे ही गाइज आप डुओ, तो मैं तो डुओ में एडवांटेज तो आपको बोला, एडवांटेज जो है गाइज आप आराम से मतलब डुओ में एक बंदा मर भी गए तो एक बंदा आराम से प्लस करवा सकता है, मतलब रैंक पुश करा के मतलब सर्वाइव करके प्लस आराम से करवा सकता है। बट गाइस मतलब डुओ में डिसएडवांटेज क्या है गाइस, डिसएडवांटेज है गाइस दो बंदा एक साथ आपको जब रास कर देगा, मतलब डुओ में डिसएडवांटेज गाइस मैं बोलूँ तो उतना ज़्यादा नहीं है, डुओ में एडवांटेज ही है। डुओ में मतलब थोड़ा बहुत अच्छा खेले तो सर्वाइव करके आराम से प्लस कर दो, डुओ में उतना डिसएडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज नहीं है, सॉरी गाइस। जो भी होगा इस डुओ में मतलब मैं बोलूँगा डुओ अच्छा है। और गाइस फिर जाएंगे सोलो की तरफ, सोलो में गाइस अच्छा है या नहीं है, सोलो में गाइस जितना अच्छा है उतना अच्छा नहीं है बोल सकते, मतलब जितना एडवांटेज भी है उतना डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। तो गाइस क्या करें, सोलो में करें, डुओ में करें, स्क्वाड में करें? सोलो में गाइस पहले मैं बोल देता हूँ क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज। सोलो में गाइस डिसएडवांटेज के बारे में बोलता हूँ। सोलो में डिसएडवांटेज ये है, आप जब ज़्यादा टाइम खेलेंगे आपके पास बात करने वाला कोई नहीं होगा, तब आपको नींद वगैरह आएगा, आपको थकान महसूस होगा, मतलब खेलने का उतना मन नहीं करेगा। आप जब सर्वाइव करोगे बैठे जाओगे उधर ही सो जाओगे, जोन आके आपको मार के चला जाएगा, मतलब जोन में ही आप मर जाओगे। एलिमेंट मेरे साथ भी हुआ है बेसिकली सीरियस में, जब सोलो पुश करता था तब अभी भी करता था बट करता हूँ, बट इस सीजन में गाइस थोड़ा स्क्वाड में ज़्यादा खेल रहा हूँ क्योंकि स्क्वाड पुश करना है नेक्स्ट सीजन, इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ। तो गाइस सोलो में मैं तो बता दिया, सोलो में मतलब डिसएडवांटेज आपको नींद आएगा। और क्या सोलो में ना बहुत थर्ड पार्टी है, दो एडवांटेज में बताऊँ, बहुत ही थर्ड पार्टी हो, आप एक बंदे को मारेगा आपको पीछे से कब एक बंदा मार के चला जाएगा आपको पता नहीं चला। और गाइस सोलो में बहुत ही देख के खेलना पड़ता है, पेशेंस रख के खेलना पड़ता है, किसी किसी जगह पर फाइट लेना है या ना लेना है वो भी मतलब हर समय सोच के रखना है, मैं फाइट लूँ या ना लूँ, चौकन्ना रह के खेलना पड़ता है। इसलिए सोलो में गाइस बहुत ही दिक्कत होता है, मैं गारंटी से बोलता हूँ, ठीक है। आपको बहुत ही दिक्कत मिलेगा, तब मतलब बंदा नहीं मिलेगा देखने को, मतलब बंदा आपको मार के चला जाएगा, थर्ड पार्टी कर देगा, इसलिए गाइस सोलो में बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। और गाइस सोलो के डिसएडवांटेज के बारे में तो बता दिया, ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, और जो भी छोटा मोटा डिसएडवांटेज है वो गाइस चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, मतलब वो सब आप मेंटेन कर लोगे। बट स्क्वाड में मतलब सोलो में एडवांटेज जो है गाइस क्या होगा, आपका जल्दी जल्दी बंदा मर जाएगा, मतलब 8 में से 10 मैच खेलेंगे तो 6-7 मैच आसानी से निकल जाएगा, और 3-4 मैच थोड़ा सा मतलब घाट लो भी आ सकता है, बट आसानी से आप मैच निकाल सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रख के खेलना पड़ता है, ठीक है, ये एडवांटेज है। और अगर सोलो में आप एक बंदे को हैंडल करना खुद उतनी बड़ी बात नहीं, आप थोड़ा पेशेंस रख के खेलोगे तो आराम से हैंडल कर सकते हो, ये भी गाइस एक एडवांटेज ही है आप बोल सकते हैं। सो गाइस ऐसे करके ना आप मतलब सोलो में पुश करोगे तो यही मतलब दिक्कत क्या है, अच्छा चीज़ क्या है, आप आराम से मतलब टॉप 3 किल कर लोगे, टॉप 6 में वगैरह आ जाओगे आपका फुल प्लस हो जाएगा, आप टॉप 15 में भी मर गए तो भी गाइस प्लस हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं, यही गाइस एडवांटेज है, ठीक है, स्क्वाड मतलब सोलो में। और गाइस बेसिकली आपको कौन सा वाला आपके पास पार्टनर, मैं बोलूँगा सबसे अच्छा जो है सोलो डुओ स्क्वाड में सबसे अच्छा कौन सा है आप बोलोगे ना, मैं गाइस अभी बोलूँगा, देखो आपके पास पार्टनर है तो पूरा स्क्वाड अच्छा नहीं है तो छोड़िए, बट पार्टनर आपके पास है थोड़ा भी बहुत अच्छा खेल लेते तो आप गाइस आप डुओ में खेलिए, डुओ में खेलिए, मेरा टिप्स फॉलो कीजिए, आप आराम से प्लस कर सकते हैं, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, आप आराम से प्लस करके बुया भी कर सकते हैं, और बेसिकली गाइस बुया ना भी हो तो आप प्लस भी कर सकते, इसलिए गाइस मैं बोलूंगा आप डुओ खेलो, डुओ इज द बेस्ट, ठीक है। आपके पास स्क्वाड अच्छा है तो स्क्वाड में खेलो, मैं स्क्वाड में ना नहीं कहूंगा, बट सोलो में क्या होता है आपका यही दिक्कत होता है। और गाइस आप बोलोगे मेरे पास पार्टनर नहीं है, कभी कभार ये आता है ऑनलाइन थोड़ा बहुत खेलता है चला जाता है, तो गाइस उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली गाइस सोलो में जब आप खेल रहे हो, जब आप सोलो में ही खेल रहे हो सोच लिए, सोलो में मतलब सर्वाइव कर रहे हो, बहुत ही हार्ड हार्ड लॉबी जब आएगा ना तब आपको क्या करना है, मतलब फटाफट डुओ में जाना है, डुओ में खेलना, डुओ में भी फिर हार्ड लॉबी आना शुरू हो गया तो जब तक मतलब आपको एक गारंटी से बोल देता हूँ, सोलो में हार्ड लॉबी जब आएगा ना डुओ में उतना हार्ड लॉबी नहीं आएगा, जब डुओ में हार्ड लॉबी आएगा सोलो में उतना हार्ड लॉबी नहीं आएगा, तो गाइस ऐसे चेंज करके खेलना है, थोड़ा टाइम सोलो खींचे और मतलब थोड़ा टाइम डुओ में खेलिए, ऐसे करके खेलेगे तो आप आराम से प्लस कर सकते हो, ठीक है। मैं गाइस आपका आपको टिप्स कैसा लगा, मेरा टिप अच्छा लगे तो गाइस लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ऐसे ही इंटरेस्टिंग आपको वीडियो देता ही रहूंगा, और गाइस सपोर्ट करते रहना, ठीक है। मैं नेक्स्ट सीजन जो ग्रैंड मास्टर पुश करूंगा उसका हर एक क्लिप आपको दिखाऊंगा वीडियो में, ऐसे गाइस सपोर्ट करते रहना, बहुत ही दिल से मतलब अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट करते हो। तो जो भी हो गाइस वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।